नमस्कार, मैं कमल सोनवानी तेजस्विनी विकास वाहिनी महासंघ गाड़ासरई की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको लिए चलते हैं ताजा खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान को आज भी कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार की गंदगी में लपेटा हुआ है। ग्राम पंचायत सुभेवारा भी इसी गंदगी की चपेट में है। स्वच्छ भारत अभियान में आज भी ग्रामीणों को शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार ग्राम सभाओं के माध्यम से सरपंच और सचिवों को इन समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन इन प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जनपद पंचायत के नैनपुर के ग्राम पंचायत सूबे वाड़ा में सरपंच और सचिव की मिली भगत से लगभग 20 से 25 शौचालय का निर्माण कागजों में बनाकर ग्रामीणों से 12,000 की राशि लेकर शौचालय को यूं ही अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीण अब लगातार परेशान हो रहे हैं। विनय नामदेव की रिपोर्ट। अरे एक साल हो गया बना है तो उपयोग नहीं हो रहा है, गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं खोदा है, बस दीवार भर खड़े कर दिए हैं बस। मैं कही थी वो पंचायत में जाके, एक बार बोल रही थी जो ठेका लिए थे और बना रही थी वो भाई के साथ, तो वो बोल रही थी कि नहीं गाय के लिए बोल रही है, बाद में बन जाएगा। तो कब बनेगा, एक साल तो हो गया, मैं बोली ऐसा बोली थी तो सब चुप थे वहाँ, तो कोई लड़की बोले नहीं थी, मैं बोली थी। फिर उन तो कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे सचिव भी, बड़े भी छोटे भी सब सचिव थे वहाँ पे। कुछ नहीं किए, उपयोग ही नहीं किए, उसका काम ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे उसको, बन जाएंगे करके तो बोले थे ग्राम ही सब, हमें तो बोली थी वहीं पे जाके पंचायत। नया आएगा तो बोल रहे हैं, अब कब बनेगा कब नहीं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और आपके सरोकार से जुड़ी हुई हर खबर के लिए आप इंडियन टीवी न्यूज की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़ रही है इंडियन टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।